नमस्कार, आप देख रहे हैं C20 न्यूज और मैं बनवारीलाल कुशवाहा। वक्त हो गया है कुछ ताजा तरीन खबरों का। सीएम योगी आज बांटेंगे फ्री स्मार्टफोन, जानिए किसे मिलेगा और क्या है नियम शर्तें। जी हाँ, कोविड की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों अब स्मार्टफोन से लैस होंगी। मंगलवार को लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1,23,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन वितरित करेंगे। इसके साथ ही नवजात बच्चों की वृद्धि का स्तर मापने के लिए प्रदेश के हर आंगनबाड़ी केंद्र को नवजात वृद्धि निगरानी यंत्र भी प्रदान किया जाएगा। कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन मुहैया कराने के पीछे सरकार का प्रयास आंगनबाड़ी कार्यक्रमों को और पारदर्शी बनाना है। स्मार्टफोन से लैस होने के बाद बच्चों के आहार को देखभाल समेत आंगनबाड़ी से संचालित होने वाली योजनाओं को ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा। नई शिक्षक भर्ती का इंतजार खत्म, यूपी टेट की तारीख घोषणा के साथ उल्टी गिनती शुरू। जी हां, सरकारी स्कूल में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी के प्राइमरी स्कूल में 1,25,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती पूरी करने के बाद योगी सरकार अब खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य पात्रता परीक्षा का कार्यक्रम जारी होते ही नई शिक्षक भर्ती का भी रास्ता साफ हो गया है। स्कूलों में शिक्षकों के करीब 70,000 से अधिक पद खाली है। इस हिसाब से तो नई शिक्षक भर्ती अब तक की सबसे बड़ी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में दसवीं शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की नई शिक्षक भर्ती का ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कभी भी कर सकते हैं। राशन कार्ड बनवाने और कैंसिल करने के लिए नया आदेश हुआ जारी। जी हाँ, राशन कार्ड बनाने कैंसिल के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन व्यवस्था के लिए पुराने सभी आदेशों का समावेश करते हुए एक नया आदेश जारी किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू होने के बाद पुराने आदेश में संशोधन करते हुए राशन कार्ड बनाए जा रहे थे। इस बीच कई एक दर्जन से ज्यादा संशोधन जारी कर दिए गए थे। इससे विभागीय अधिकारियों में भ्रम की स्थिति थी। अब उन सारे संशोधनों को समावेश करते हुए नया आदेश जारी किया गया है। राशन कार्ड जारी वर्तमान प्रक्रिया से ही बनाया जाएगा। 1 अक्टूबर से आंगनबाड़ी केंद्रों में शुरू हो सकती है पढ़ाई, तैयार हो चुका है पाठ्यक्रम। जी हाँ, प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 अक्टूबर से पढ़ाई शुरू हो सकती है। बाल विकास पुस्ताहार विभाग ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इन केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी की कक्षाएं नई शिक्षा नीति के तहत शुरू की जानी है। प्रदेश के 1,85,000 केंद्रों पर इसकी पढ़ाई होनी है। पहले चरण में 1,15,000 उन केंद्रों से इसकी शुरुआत होगी जहां केंद्र स्कूल परिसर में बने हुए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग प्री प्राइमरी के लिए एक प्राइमरी शिक्षक को नोडल बनाएगा। शिवपाल सिंह यादव ने दिया अल्टीमेटम, 11 के बाद नहीं करेंगे अखिलेश के जवाब का इंतजार। जी हां, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के गठबंधन के मामले को अब तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के जवाब का इंतजार है। अगर गठबंधन पर 11 अक्टूबर तक अखिलेश यादव का कोई जवाब नहीं आता है तो शिवपाल सिंह यादव प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी शुरू कर देंगे। 12 से उनका प्रदेश भर का भ्रमण शुरू हो जाएगा। योगी सरकार का फैसला, पश्चिमी यूपी में 20 अक्टूबर से शुरू होंगी चीनी मिलें। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में 20 अक्टूबर से योगी सरकार चीनी मिलों की शुरुआत करने जा रहा है। इसके साथ ही सरकार पिपराइच और बलरामपुर में गन्ने के रस के सीधे एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया भी शुरू करने जा रही है। गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर क्षेत्र में किसानों के लिए अभूतपूर्व फैसलों ने किसानों की निराशा को खत्म करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में गन्ना किसानों में निराशा का माहौल था। बसपा और सपा की सरकारों में 30 चीनी मिलों को बंद किया गया और 21 चीनी मिलें कोड़ियों के भाव बेची गई। ईपीएफओ खाता धारकों के लिए नई सुविधा, अब खुद ऑनलाइन बदल सकेंगे नॉमिनी। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सदस्य खाता धारकों के लिए नई सुविधा प्रदान की है। ईपीएफओ ने अब अपने सदस्य के लिए ई नॉमिनेशन की सुविधा शुरू कर दी है। इससे अब खाता धारक दर्ज अपने नॉमिनी को ऑनलाइन बदल सकते हैं। इसके लिए खाता धारक के अपने नामित का ब्यौरा और फोटो पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अभी तक खाता धारक नियोक्ता के पास जाकर नॉमिनी का ब्यौरा दर्ज कराते थे और इससे पूरी प्रक्रिया में अधिक समय लगता था। ईपीएफओ ने आजादी के 75 साल के मौके पर सभी संसदीय क्षेत्र भविष्य निधि कार्यालयों को ऑनलाइन व्यवस्था अपनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
मेरठ में डीएम के साथ किसानों की वार्ता विफल। 29 को पैदल मार्च और महापंचायत 2 अक्टूबर को होगा। जी हां, ठाकुर पूरन सिंह के नेतृत्व में किसान मजदूर संगठन के किसान मेरठ में कमिश्नरी पार्क पर बेमियादी धरने के लिए बैठ गए हैं। संगठन ने मांगा है कि जब तक कमिश्नर के माध्यम से उनकी वार्ता मुख्यमंत्री से नहीं होगी तब तक धरना समाप्त नहीं होगा। सोमवार रात किसान मजदूर संगठन का प्रतिनिधिमंडल डीएम से उनके आवास पर मिला, लेकिन वार्ता विफल रही। डीएम ने किसानों को घर लौटने का आग्रह किया है, लेकिन किसानों ने बेमियादी धरना शुरू करने के साथ 29 सितंबर को शहर में पहले पैदल मार्च व 2 अक्टूबर को कमिश्नरी पार्क में महापंचायत करने का निर्णय लिया है। किसानों के लिए योगी सरकार का एक और फैसला, बाढ़ से हुए नुकसान पर मिलेगा पूरा पैसा। जी हां, बाढ़ के दौरान मानव जीवन को बचाने के लिए जिस प्रकार की कमी नहीं छोड़ने वाले राज्य सरकार ने किसानों को हुए नुकसान के बाई बाई भुगतान करने का बड़ा निर्णय लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अधिकारियों से कहा है कि बाढ़ और अतिवृष्टि से कृषि फसलों को हुए नुकसान का आकलन करें और जिस किसानों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उसे नुकसान की क्षतिपूर्ति तत्काल कराएं। इसके साथ ही दोस्तों, सीएम योगी का नया फैसला, महाराष्ट्र केरल से यूपी आने वालों की कोविड जांच जरूरी। यहां योगी सरकार यूपी में दूसरे राज्यों से आने वालों की कोविड जांच पर हर हाल में करवाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को लगातार बेहतर रखा जाए। संक्रमण तेजी से कम हो रहा है, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ और यह अतिरिक्त सतर्कता व सावधानी बरतने का समय है। मुख्यमंत्री को बैठक में बताया गया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 7 नए मामले सामने आए हैं।